दोस्तों, ये टेक्नो का कोई मॉडल है, शायद मेरे हिसाब से KG5 होता है। हो सकता है GO 2020 हो सकता है, ऐसा कोई मॉडल है। मैं टाइटल में दे दूंगा इसका मॉडल कंफर्म करके। हाल फिलहाल में ये फ़ोन शॉर्ट आया है मेरे पास, मॉडल मेरे को पूरा इसका पता नहीं है, ठीक है ना। और शॉर्ट मतलब कस्टमर का कहना ये है, कभी बैटरी नहीं डाल दो तो ये चलता है, बाकी इसमें बैटरी बिल्कुल है जो जीरो हो जाती है। अगर आपको मैं दिखाऊँ मीटर के हिसाब से, तो इसमें बैटरी आपको जीरो ही मिलेगी हमेशा। देखिए, कोई वोल्टेज नहीं है इसके अंदर, बैटरी इसका है जो जीरो हो गया है। और अगर इसको अपन फॉरवर्ड बैकवर्ड चेक करते हैं इसके अंदर, के अंदर आप नजर मारना जरा, ऐसी वाली इसके अंदर रीडिंग है जो आ रही है। देखिए, ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर इसको DC पे लगाते हैं, इस बोर्ड को मैं DC पे लगाता हूँ। बात करें इसके DC की, तो DC में इसमें 180 लेके ये डायरेक्ट डायरेक्ट करंट ले लेता है 180 के आसपास, तो इसमें ये वाली है जो फॉल्ट आ रही है। इसको मैं कैसे रिपेयर करूँगा वो इस वीडियो में मैं लास्ट में बताऊँगा आपको। तो दोस्तों, वीडियो के बाद साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, पूरा फ़ोन को मैंने आई स्कैन किया, रोजिन लगाया, चेक किया इसको मैंने नॉर्मली, तो मेरे को एक डाउट जा रहा है इसके ऊपर है जो, इसका जो अभी आप 2GPA देख रहे हैं, ये इसके ऊपर मुझे डाउट जा रहा है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग इसके अंदर है। उसका कारण बता दूं मैं आपको, कभी भी आपके फ़ोन में अगर शॉर्टिंग किसी भी प्रकार की आती है, डेड है फ़ोन, वीपैड की सप्लाई शॉर्ट आ रही है, उल्टी सीधी रीडिंग आ रही है, तो पहले आपको नेटवर्क सेक्शन को देखना बहुत ज़रूरी है। यूँ मेरे को दिख रहा है इसके अंदर, लग रहा है कहीं ना कहीं इस IC की फॉल्ट इसलिए लग रही है कि मेरे को ये टूटा हुआ नज़र आ रहा है। ये यहाँ से देखेंगे ऐसे करके, ये यहाँ तक ऐसा मुझे लग रहा है ये, कि ये कहीं ना कहीं टूट गया है। ये पहले तो इसको स्क्रैच कर देंगे यहाँ से, ये स्क्रैच करने से होगा ये कि जो ये IC हैं, इस IC के क्या है कि इसका जो डॉट है इस तरफ है इसका, इसके हिसाब से अपन इसको निकालेंगे तो कोई बाद में अपने दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, इसको अपन एक बार रिमूव करके देख लेते हैं कि अपना फ़ोन है जो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। देखिए, अभी मैंने इसको निकाल दिया है, और ये देखिए इसकी IC जब मुझे कुछ ब्रेक लग रही है। नॉर्मली अगर इसको अपन पहले फ़ोन क्या है कि मैंने जब इसको नॉर्मली चेक किया था तो कोई भी चार्जिंग वार्जिंग कुछ भी ले नहीं रहा था।
ये टूट गया है, इसी है जो ये टूटा हुआ आईसी है, क्योंकि साइड से इसका कॉर्नर अपन सही से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये देखिए इस तरीके से आपको ये दिख रहा है। देखो कॉर्नर अगर इसका सही से देखेंगे तो टूटा हुआ लग रहा है। तो चलिए एक बार इसको अपन तो साइड कर देते हैं, पहले अपना फ़ोन है जो चेक कर लेते हैं। बोर्ड के तरफ दोनों तरफ मैंने रोजिन लगाई थी पहले, ये आपको जो भी रोजिन लगी हुई दिख रही है। अभी अगर मैं इसमें रीडिंग चेक करूँ 400 के आसपास इसमें रीडिंग मिल रही है, इधर ओएल ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है अभी। ठीक है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 1600 के आसपास रीडिंग आके चली गई, पहले यहाँ पे 0.45 आ रही थी, 400 के आसपास रीडिंग आ रही है, मतलब कि जो अपनी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है अभी हाल फिलहाल में। और पहले ये फ़ोन क्या है, बैटरी ऑटोमेटिकली डिचार्ज कर रहा था, जो अभी देखते हैं कि डिचार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि फ़ोन कोई भी रिपेयर कर रहा हो तो उसमें आई स्कैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसका कारण ये है ना कि उसको आई स्कैन कर देंगे तो होगा ये कि भाई आप फ़ोन रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिस टूटा हुआ हो, ऐसा कोई है कोई पार्ट तो नहीं है जिससे कि आपका फ़ोन शॉर्ट हो रहा हो, ऐसी कोई भी इशू आ सकती है आपके फ़ोन के अंदर। इसलिए क्या है कि आपको ये चीज़ पहले कर लेनी है, कभी भी फ़ोन को रिपेयर करो किसी भी तरह का। अभी इसको अपन पैक कर देते हैं, डुप्लीकेट चलो लग गया। एक बार इसको मैं चार्जिंग करके देखता हूँ, क्योंकि पहले ये फोन था जब मैंने इसको लिया था तो ये चार्ज में भी दिक्कत कर रहा था फ़ोन। अभी ये फ़ोन है जो चार्जिंग भी लेने लगा है, और हालांकि ये देखिए इसमें भी बता दिया इसने, ये अभी चार्जिंग भी होने लगा है, मतलब ये फ़ोन चार्ज हो गया है और ये फ़ोन रेडी हो चुका है। अब खाली इसके अंदर अपन नेटवर्क आईसी डालेंगे, जैसे नेटवर्क आईसी डालेंगे तो अपना जो काम है वो हो जाएगा 100%। ये देखिए निशान आ गया इसके अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब इसको एक बार मैं खोल के देखूँगा इसका मॉडल नंबर क्या है, और उसके बाद ही इसका काम है जो मैं स्टार्ट करूँगा। इसका मैं आपको टाइटल दे दूंगा इसका मॉडल का, वो आपको उसमें मिल जाएगा। अब मुझे आईसी किसी बोर्ड से या फिर कहीं से डालनी पड़ेगी सेम मॉडल, मेरे को आइडिया नहीं है इसका क्या मॉडल है, ये किस में लगती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरे को मिल तो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।